सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है दीपिका कांत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो फ्रेंड्स, सुबह की 9 बज चुकी हैं और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हरी से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों के भी सारे काम सफल हो और आप लोग भी अपनी कृपा बनाए रखें। और जैसे कि आपको पता था कि रक्षाबंधन नहीं था, तो हमारा जन्माष्टमी भी नहीं है, मतलब एक साल तक हमारे कोई भी त्यौहार नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ससुर जी नहीं है, तो इसीलिए हमारे कोई भी त्यौहार नहीं है। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा अभी नाश्ता हो चुका, नाश्ता मैं करने वाली हूँ, नाश्ता मैंने बना दिया है। तो चलिए, और मामी की कॉल आई थी उनका अभी थोड़ी देर पहले, मामी ने बोला था कि मतलब हमारा मतलब अच्छा नहीं लगता, तो शाम को शायद हम वहाँ चले जाएं। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर दिखाऊंगी। टाइम हो गया है, 1 बज चुकी हैं और मैं नहा भी ली हूँ। वैसे सुबह नहाना ठीक रहता है, पर यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, फिर सफाई वगैरह सारा काम होता है, और नहाने के बाद अगर पहले नहा गए तो फिर अजीब सा लगता है। तो मैं खाना वाना बना के रख देती हूँ दिन का, उसके बाद नहाने जाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है और सारा काम भी निपट जाता है। फिर अपना नहा के खाना खाया, सीधे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेघा भी आ गई थी। हाय बोल दक्षु, हाय हाय बोलो, हाय बोलो। तो मेघा आ गई थी, अब वो आई 11 बजे तक। तो इसका आज फास्ट टाइम मेघा का, और वो दक्षु को खाना खिला रही है, मैं नहाने गई थी। तो चलिए हम भी खाना खाते हैं और मिलेंगे आपको शाम को। तो शाम को शायद हम मामा लोग के यहाँ जाएंगे, तो बने रहना हमारे साथ और हमारे साथ एंजॉय करना पहाड़ी लाइफ स्टाइल में जन्माष्टमी। तो दीपिका कांत खा रही है बासीबात। किस किस को इसको देख के अपनी बचपन की याद आई है कि शाम को बासीबात खाना है। तुम पहले भी खाते थे ना बचपन में। सो के उठ गए हैं और 5:30 हो गए हैं और हम जाने वाले हैं मामा लोग के यहाँ। तो फिलहाल इसका पहले हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो चलिए, ये मैंने मेघा का आज हेयर स्टाइल बनाया है और अब हम जा रहे हैं। हाय, तो ये है जंगली ककड़ी, हमारे पहाड़ी भाषा में इसको गुलिया काकड़ी बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं और ये चढ़ाई तो आपको पता ही है कैसी है। कि मम्मी इतनी गंदी है ना, इसको नहीं ले जा रही है ना। क्या हुआ, तो वो मौसी मौसी करता है, तो मौसी तो ले जाएगी। और मैंने सर में तेल छपोड़ दिया है क्योंकि मेरे बाल है करली, तो उड़ते उड़ते जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे एक और होटल खुल गया है और सामने देखिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। और दक्ष दीदी और अक्षरम सब हम बैठ चुके हैं और अभी चाय बन रही है, मामी चाय। गाइस ये देखो, ये हैं गुलगुले मीठे वाले और पकौड़े भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं गुलगुले। ऐसा मेरी नानी भी बनाती थी इसको बहुत और बहुत। गाइस हम आ गए थे, जैसे कि मेघा ने आपको ब्लॉग में बताया होगा, और अब हमने चाय भी पी ली है, मामी ने चाय बनाई और अब करते हैं खाने की तैयारी। तो फिलहाल टाइम तो कम ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तैयारी खाना बनाने की। और अक्षरम और दक्ष खेल रहा है। गाइस ये है मैदा और हम बनाने वाले हैं आज पूरी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भटूरे। और मैं यहाँ पे मैदा गूंथती। 9 बज गए हैं और हमारा लगभग खाना भी लगभग हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। और अभी अक्षरम बना है कृष्णा। तो क्या कहते हैं, अक्षरम बना है कृष्णा और मेगा भी बनी है कुछ, तो आपको दिखाती हूँ मैं। हमारा लिटिल कृष्णा बहुत प्यारा लग रहा है। ये है राधा रानी। मामी मामी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दोनों सेम लग रहे हैं, कपड़े कपड़े मैच लग रहा है तुम्हारा। गाइस ये है
लखों की थाली। तो ये सब्जी और पूरी पकौड़ी और ये हमारा खीर तैयार हो गया है। तो मेघा करेगी पूजा, मेघा के साथ मामा जी करेंगे। तो ये हमारे कान्हा जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और हम इनको झूला झुलाएंगे बड़े ही प्यार से, और सब हमारे लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो मामा अच्छे आरती वगैरह मंत्र बहुत ही अच्छे, तो हमें बहुत आनंद आता है मामा जी के साथ पूजा करने में। तो मेघा और मामा जी पूजा कर रहे हैं। तो मामा जी लगा रहे हैं भोग, जो भी हमने सारी चीजें बनाई थी वो भोग में लगा रहे हैं मामा जी, पकौड़ी पूरी और खीर वगैरह। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, पूजा करने में बहुत शांति मिलती है। तो मैं इसे वीडियो बना रही हूँ और मामा जी भोग लगा रहे हैं। मेघा व्रत मेघा का था हम सब में, तो उसमें मेघा और मामा जी पूजा करते हैं, हम इंजॉय करते हैं मामी और मैं। कच्ची हल्दी का पौधा और इसकी जो जड़ है उसके अंदर कच्ची वाली हल्दी है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये है अगली सुबह और कल थी 7 सितंबर, तो हमारा जन्माष्टमी बहुत अच्छा ही रहा समझो। मामा लोग के यहाँ आए थे हम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी एंजॉय करा हमने। यहाँ हमारी थी नहीं तो इसलिए मामा लोग ने कहा कि